राधे 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 कृष्ण 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 जलड्डू गोपाल की जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी बहुत ही विशेष पर्व होता है। इस दिन लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल जी को कर दे खुश ये उपहार दे के। इन उपहार से लड्डू गोपाल जी बहुत खुश होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, उन पर अपनी कृपया बनाए रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पहला उपहार लड्डू गोपाल जी को पीताम्बर बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। लड्डू गोपाल जी को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। तो आप पीले कलर की पोशाक लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट करें, पहनाएं जन्माष्टमी के दिन, तो लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरा, फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल जी को बांसुरी ज़रूर गिफ्ट में दें जन्माष्टमी पर, इससे भी लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बांसुरी से बजाने से लड्डू गोपाल जी पूरे विश्व को मोह लेते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को बांसुरी ज़रूर गिफ्ट करें। फ्रेंड्स, तीसरा उपहार लड्डू गोपाल जी को दें, गायें अकेली ना हो, बछड़ा ही साथ में होना चाहिए। इस तरह की गायें छोटी सी मार्केट में मिल जाती है, आप छोटी सी गायें लाकर लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट दें, इससे भी लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मोर पंख, लड्डू गोपाल जी को मोर पंख बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी को श्री कृष्ण भगवान जी को मोर मुकुटधारी भी कहा जाता है। आप इस जन्माष्टमी पे मोर पंख जरूर लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट करें, लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होता है मोर पंख, तो आप लड्डू गोपाल जी को खुश कर दें, आप लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट में दीजिए। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रिय लड्डू गोपाल जी को होता है भोग में माखन मिश्री, लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं आप जन्माष्टमी के दिन। झूला, लड्डू गोपाल जी को झूला बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, क्योंकि झूले में झूलते हुए हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, और लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पर झूला जरूर झुलाया जाता है। तो आप एक सुंदर सा प्यारा सा नया झूला लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट करें और उसमें बैठा कर लड्डू गोपाल जी को झुलाएं जन्माष्टमी पर। और फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी को और भी अधिक प्रिय होता है वैजयंती माला और तुलसी दल। लड्डू गोपाल जी को आप तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें, या मैं ये कहूँगी तुलसी के 11 पत्तों की माला बनाकर आप लड्डू गोपाल जी को पहना दें, और अपनी जो भी इच्छा आप लड्डू गोपाल जी के पास कह दें, तो आपकी समस्त मनोकामनाओं को लड्डू गोपाल जी इस जन्माष्टमी पे करेंगे जरूर पूरा। इस जन्माष्टमी पर महायोग बना हुआ है, 6 तत्वों का योग बना हुआ है, और यह जन्माष्टमी बहुत विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण जन्माष्टमी मानी जाएगी। 30 अगस्त की जन्माष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण है यह व्रत। इस जन्माष्टमी को आप ये सब चीज़ें अगर लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट करते हैं, या इनमें से कोई भी चीज़ आप अपने मन और भाव से लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट जरूर करें, और लड्डू गोपाल जी की कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। लड्डू गोपाल जी आपके घर में हमेशा निवास करेंगे, हमेशा आपके मंदिर में विराजित रहेंगे, और अपना आशीर्वाद आपके समस्त परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखेंगे। इस जन्माष्टमी पर आप दीजिए लड्डू गोपाल जी को उपहार जरूर। राधे 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 कृष्ण 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 जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।